नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। जेल डीजी जीपी सिंह ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे और उन्होंने यहां ग्वालियर सेंट्रल जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां केंद्रीय कारागार ग्वालियर से जुड़े सभी बड़े सरकारी और जेल पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने के बाद डीजी जीपी सिंह ने बताया कि उन्होंने आज ग्वालियर सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया है, जेल में बंद कैदियों से भी मुलाकात की है। जेल विभाग चाह रहा है कि जेल की व्यवस्थाओं का कॉन्सेप्ट चेंज किया जाए और दंडात्मक के स्थान पर सुधारात्मक व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। भारत सरकार जो नए कानून लागू करने वाली है उसी के तहत जेल प्रशासन के भी कानून में भी बदलाव किया जाएगा और ब्रिटिश राज से लागू कानून में सुधार और उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाना है। इसके साथ ही जेल की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जाए इस संबंध में भी प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में ग्वालियर केंद्रीय कारागार से जुड़े वीडियो वायरल होने और उनमें जेल में भ्रष्टाचार एवं कैदियों से मिलने के नाम पर होने वाली वसूली के आरोपों पर जेल डीजी ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है। केंद्रीय जेल ग्वालियर का निरीक्षण किया, यहाँ पे कैदियों से बात की और जैसे जो है अब हम लोग चाह रहे हैं कि जेल का थोड़ा कंसेप्ट परिवर्तित हो। कंसेप्ट परिवर्तित होने से अभिप्राय ये है कि उसको सुधारात्मक के रूप में ज़्यादा देखा जाए, दंडात्मक के रूप में कम देखा जाए। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि नए कानून प्रभावी होने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं जो आईपीसी है वो भारतीय न्याय संहिता बन रही है और जो सीआरपीसी है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गई है। तो ये जो ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश पीरियड के जो कंसेप्ट थे, ब्रिटिश पीरियड के जो कानून थे, उनको जो है अमूलचूल परिवर्तन करके नया स्वरूप दिया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जेल को भी अब नया स्वरूप देना है। ये सुधारात्मक के रूप में ज़्यादा रहेगा, दंडात्मक के रूप में कम रहेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरा मनस्थिति भी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार ने भी आध्यात्मिक प्रोग्राम के माध्यम से जो एक प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित करना या शुद्धिकरण करने पर विशेष प्रयास किया जा रहा है। बंदियों की सुविधाओं के संबंध में चर्चा किया, उनके द्वारा जो है कोई गंभीर शिकायत नहीं बताई गई। सर, हाल ही में एक वीडियो यहाँ पर सामने आया था, मुलाकात के दौरान उसके लिए हालांकि कार्रवाई की गई थी, उसके बाद भी एक बंदी रिहा होकर जो निकला था उसने भी एक वीडियो जारी किया था कि यहाँ पर हमारे तरह से तमाम चीज़ें अंदर उपलब्ध रहती हैं, इसके संबंध में इसमें जो है जाँच जारी है और जो भी संबंधित दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।